सब जानना चाहते हैं कमेटी के सामने आपने क्या समस्याएं रखी और कब तक उनका निस्तारण कमेटी कर सकती है। कमेटी की घोषणा कल हुई है दिनेश जी, तो कमेटी का जब निर्माण हो जाएगा हम सब बातों को रखेंगे, लेकिन मैंने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के समक्ष सभी विधायकों का और जो मेरा अपना व्यू था वो रखा है, जो हमारी ग्रीवेंसेस थी, चाहे वो गवर्निंग स्ट्रक्चर्स को लेकर हो, लीडरशिप के को लेकर हो, या डेढ़ साल में जो हम कर पाए या ना कर पाए, उन सब का हमने पूरा लेखा जोखा दिया है। और कार्यकर्ताओं नेताओं की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित हो और पारदर्शिता से उस भागीदारी का हम फायदा ले सकें, ताकि तीन साल बाद जब चुनाव हो तो जो वादे पूरे किए हैं हम पूरे नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक बीच में कैसे जाएंगे। राजस्थान के विकास के रोल में सचिन पायलट का अब आगे किस तरह रोल होगा? ये रोल पार्टी तय करेगी। मैं विधायक हूँ और मुझे बड़ा फख्र है टोंक की जनता का, मैं एक विधायक हूँ। मैंने पद पर रहकर भी काम किया है, बिना पद के भी काम किया है, लेकिन मेरा जनता के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ जो संबंध, जो नाता है वो अटूट है और रहेगा, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। जीवन के आखिरी सांस तक इस मिट्टी के लिए मैं सेवा करता रहूंगा। सर, हमने 6 साल से आपकी कार्यशैली देखी, उम्मीद नहीं थी कि सचिन पायलट इस तरह करें, और वैसा ही हुआ कि आपने पार्टी में रह के लड़ाई लड़ी, अपनी बात रखी। ये तो लड़ाई नहीं लड़ी है भाई, हमने इशू रखा है, व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति कोई क्या है, आपको पसंद है नापसंद है, वो हमारी अंदर की भावना है, लेकिन प्रदेश के अंदर शासन करने वाला जो हमारा ढांचा है उसमें सबकी भागीदारी है कि नहीं। सब कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों को लगना चाहिए कि हम भी इसके शेयर होल्डर हैं। अगर आप कट ऑफ फील करेंगे, सिर्फ एक घर और गाड़ी लेकर आप काम करें और आप ना तो आपको सम्मान हो, ना रिगार्ड हो, ना स्पेस हो, ना सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो कैसे कोई काम कर सकता है। और इतने बड़े संगठन सरकार को चलाने के लिए व्यापक सोच रखनी बहुत जरूरी है। इन तमाम बातों के बारे में चर्चा मैंने दिल्ली में करी है और एक अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है कि कमेटी बहुत जल्द इस सभी समस्याओं का समाधान करके सामने आएगी। सर, वाकई में हालात ऐसे थे कि 18 महीने तक बातचीत नहीं हुई कोई? भाई मैंने तो इसको कहा नहीं, ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इस पर ज़्यादा प्रकाश वही डाल पाएंगे। तो ये थे सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात मजबूती से आला कमान के समक्ष रख दी है और मुझे उम्मीद है कि पूरी जो उनकी समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान होगा। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने मेरी तरफ से कोई गलत बात कही नहीं है, जो भी कही गई उस पक्ष की तरफ से यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज़, जयपुर।